दरअसल मामला जनपद शामली का है, जहां पर जिला पंचायत के वार्ड नंबर 10 से भाजपा प्रत्याशी चौधरी राशिद का वार्ड क्षेत्र के ग्राम मंगलपुर में सुभाष के आवास पर बुद्ध सिंह प्रधान सहित सैकड़ों ग्रामीणों ने स्वागत किया। इस मौके पर भाजपा पार्टी के मंडल प्रभारी और वार्ड 10 के चुनाव संयोजक चौधरी सतपाल सिंह ने भाजपा प्रत्याशी चौधरी राशिद को राष्ट्र एवं समाज हित में भारी मतों से विजय बनाने की अपील की। चौधरी राशिद ने कहा कि हमें सर्वधर्म का सम्मान करते हुए सभी जातियों के मतदाताओं को साथ कर चलना है तथा विजय होने के बाद क्षेत्र में ईमानदारी के साथ चौमुखी विकास कराने के साथ ही आदरणीय मोदी जी और योगी जी की कल्याणकारी नीतियों को जन जन तक पहुंचाना है। उन्होंने सभी को माह रमजान और नवरात्रों की शुभ अवसर पर आपसी भाईचारा बनाए रखने एवं मिलजुल कर त्यौहार मनाने की अपील करी। जो आज आप लोगों का मंगलपुर गाँव में प्रोग्राम है, क्या है पूरा मामला? मेरे तो पार्टी का सम्मान मिला मुझे जी, बहुत ही बड़े मुझे खुशी हुई। मुझे खुशी होने के बाद इस पार्टी ने सम्मान करा मेरा, और मेरा यही विचार है जो भी मैं काम करूँगा पार्टी देगी, जो पार्टी कहेगी वो करूँगा और पार्टी का ही साथ चलूँगा। तो आप अपना मुख्य मुकाबला किससे मानते हैं? मैं तो जी मुख्य मुकाबला प्रमुख मानता हूँ जी, खरगाना। अच्छा, तो अगर आप आपका चुनावी मुद्दा क्या होगा, मुख्य मुद्दा क्या है आपका चुनाव? विकास करूँगा जी पूरा, शिक्षा जो भी चीज़ होगी सब पर जगह। अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो प्राथमिकता आप किस चीज़ को देंगे, किस खास अहमियत किसको देंगे? खास अहमियत जी समाज को, जो भी समाज में चीज़ होगी वो दूंगी, जो भी रास्ता होगा जो भी चीज़ होगी सब नाड़े खाने, यानी मुझे कोई उस प्रजा के बीच सबका साथ लेके जाऊँगा, कोई भेदभाव नहीं करना किसी का भी, कोई भी भाई है।